भारतीय संस्कृति, इतिहास और इस देश की भ्रम बहुलता बरसों से विदेशी मुल्क के लोगों को भारत की तरफ खींचती आई है। यहाँ आने के बाद बहुतों ने न सिर्फ भारत की संस्कृति और धर्म से खुद को जोड़ लिया, बल्कि कईयों ने अलग अलग भाषाएं सीखकर उन भाषाओं के लिए ऐतिहासिक काम भी किया। एक समय भारत में भारत रूस मैत्री के गीत गाए जाते थे और उस समय सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी भारत में लोकप्रिय हो गया था। हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती के तमाम किस्से हैं जिन्हें लोग अगर समझे तो इन दोनों देशों में से एक नाम बेहद पावन है, वो है श्री राम का। रूस देश में राम नाम की पवित्रता का आलम ये है कि यहाँ न सिर्फ रामलीला का मंचन लगातार होता है, बल्कि यहाँ ऐसे विद्वान लेखकों का नाम भी इतिहास में दर्ज है जिन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस का रशियन भाषा में अनुवाद किया है। हिंदुस्तान में साल 2018 में अयोध्या के मंच पर और 2019 में प्रयागराज के मंच पर जब रूसी कलाकारों ने रामलीला की भावपूर्ण प्रस्तुति दी तो लोग स्तब्ध रह गए। श्री राम के अद्भुत स्वरूप को सजाकर रूसी परंपरा में जोड़ना लोगों को भावुक कर गया। जाहिर है इस अद्भुत रामलीला मंचन में संजीदा तरीके से श्री राम के जीवन को दर्शाना, रूस में राम के महत्व और रूस में रामलीला का उद्गम कैसे हुआ, ये एक सोचनीय प्रश्न बन गया। श्री राम की परिकल्पना और उनसे जुड़ी तमाम बातें जानने के लिए आखिरकार अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह रूस आ पहुंचे। रूस में रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा की टीम के साथ डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने 1930 में स्थापित इंडोलॉजी को करीब से जाना, जहाँ श्री राम और उनसे जुड़ी वो बातें पता चली जो सुनने और समझने में अद्भुत थी। कहते हैं लगभग 200 से 300 साल पहले तिब्बत व मंगोलिया से बौद्ध अनुयायियों के साथ रामायण रूस के लोगों तक पहुंची। अलेक्सी पेट्रोविच वरानको का नाम आज रूस ही नहीं भारत में मानस के भक्त के रूप में जाना जाता है। अलेक्सी पेट्रोविच वरानको के बारे में मशहूर है कि भले ही वह रूसी हों पर कभी किसी जन्म में जरूर हिंदुस्तानी रहे होंगे, भारत उनके दिल में बसता था। उनको तुलसीदास की अमर रचना रामचरितमानस ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसका रूसी में अनुवाद किया। ये अनुवाद बेहद चर्चित हुआ। उनके बेटे पीटर वरानको 70 के दशक में दिल्ली स्थित सोवियत सूचना केंद्र से जुड़े थे और हिंदी लेखकों और दिल्ली के काफी हाउस में होने वाली उनकी बैठकों में पाबंदी से आते थे। सोवियत संघ के विघटन तक उन्होंने यही रहकर काम किया। रूस लौटने के बाद उन्होंने वहां हिंदी सिनेमा पर केंद्रित एक पत्रिका भी निकाली। भारत ने पीटर वरानको को और उनके परिवार का हिंदुस्तान की साहित्य में जुड़ाव को देखते हुए उनको पद्म विभूषण का सम्मान भी दिया। इसके अलावा रूस में रामलीला के उद्गम का जो नाम आता है वो है प्रसिद्ध रामलीला कलाकार गेनादी पिचनिकोव का। गेनादी ने श्री राम के जीवन से प्रभावित होकर उनका जीवन पर्यंत अनुसरण ही नहीं किया, बल्कि रूस की सभ्यता में रामायण को घोलने का प्रयास भी किया। खुद जीवन भर सात्विक जीवन जीने वाले गेनादी ने रूस के कलाकारों से रामलीला का मंच सजवा दिया। वो खुद एक मझे हुए कलाकार थे, लिहाजा अपने अभिनय की कुशलता से मंच पर श्री राम के जीवन का ऐसा सजीव चित्रण किया जिससे लोग आज भी नहीं भूले। 1960 में रूस में शुरू हुई रामलीला की चर्चा आखिरकार भारत भी आ पहुंची और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया। भारत में अपनी प्रस्तुति से आम जनता के दिलों पर राज करने वाले गेनादी पिचनिकोव को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा। बताते हैं कि गेनादी पिचनिकोव जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने अपने यहाँ रहकर रूसी कलाकारों को श्री राम से जुड़ी तमाम बारीकियों को समझाया और अभिनय की शिक्षा दी। हालांकि शुरुआत के 20 साल रामलीला का मंचन होता रहा, उसके बाद इसमें लोगों की सक्रियता थोड़ा कम हो गई। रूस और भारत ने श्री राम की महत्वपूर्ण कड़ी को फिर से जोड़ने का काम किया भारतीय राजदूतावास ने। भारत के राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार के अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह की पहल ने लगभग 30 साल बाद भारत में एक बार फिर रूस के कलाकारों को बुलाकर रामलीला का मंचन करवाया
और एक बार फिर रामलीला को लेकर आए भारत में रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा के प्रबंधक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देशन में 2018 और 2019 में रूसी कलाकारों की टीम ने मंच पर अपने अभूतपूर्व अभिनय के जरिए हिंदुस्तान में पद्मश्री गेनादी पिचनिकोव के नाम को रोशन कर दिया। रूस पहुंचे अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने रूस में रामायण पर शोध करने वाली महिला डॉक्टर आन्ना से भी मुलाकात की। उन्होंने बात ही बात में जिक्र किया कि वो रूस की एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने रामायण पर शोध किया है। उन्होंने श्री राम के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र भी किया। जो भी भारतीय समाज में हो रहा है वो राम कथा में ही दिखाया जाता है। भारत और रूस अपनी 70 साल की अटूट दोस्ती में यूं बंधे हैं मानो इन दोनों देशों की सभ्यताएं और परंपराएं एक समान हैं। भारत में बोली जाने वाली संस्कृत भाषा रूस की रशियन भाषा में घुली सी लगती है। रूस में श्री राम से जुड़ी तमाम बातों को जानकर अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर योगेंद्र सिंह अपनी भावभीनी यादों को देकर वापस लौट गए। उनके इस यात्रा में उनके साथ दिशा की टीम में डॉक्टर रामेश्वर सिंह, अभिषेक और सुशील आजाद लगातार लगे रहे। रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा शुक्रिया अदा करना चाहती है भारत सरकार और रूस में भारत के राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह का, जिन्होंने हिंदुस्तान और रूस के बीच पुरानी परंपराओं को एक बार फिर पुनर्जीवित करने का कार्य किया।